गुड मॉर्निंग। यह हमारी BSc पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमें पढ़ना होता है नाइट्रो कंपाउंड्स, एमीन्स, डाइजोनियम सॉल्ट्स। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन हम कर चुके थे। उसके बाद एरोमेटिक नाइट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज नाइट्रेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन, वेरियस नाइट्रेटिंग मिक्सचर्स, इन सब के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। और रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में एक रिएक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है नाइट्रोबेंजीन की, वो होती है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ये मैं करा चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर में। आज जस्ट मैंने इसकी समरी एक बनाई है आप लोगों के लिए, जो कि आपको दोबारा बताता हूँ, क्योंकि अलग अलग मीडियम में डिपेंडिंग अपॉन pH, डिपेंडिंग अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट, नाइट्रोबेंजीन अपचयन करने पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। नाइट्रोबेंजीन फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद डिपेंडिंग अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट, pH ऑफ द मीडियम, एंड इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ये हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं वापस आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ समरी के फॉर्म में। इसका PDF आपको मिल ही जाएगा। देखो, एसिडिक मीडियम में 10 प्लस HCl से अगर रिडक्शन करें तो नाइट्रो ग्रुप कंप्लीट रिड्यूस हो जाता है और क्या मिलता है, एनिलीन। न्यूट्रल मीडियम में जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ अगर हम इसका रिडक्शन करें तो प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है, एन फेनाइल हाइड्रोक्सिलमीन। सबसे जो डिफिकल्ट इसके प्रोडक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम में मैंने क्या बताया था आपको कि दो प्रोडक्ट्स बनते हैं बाय न्यूक्लियर प्रोडक्ट, एजोबेंजीन, एजोक्सीबेंजीन, हाइड्रोजोबेंजीन। इनमें से भी कौन सा बनेगा ये डिपेंड करेगा कि एल्कलाइन मीडियम में हमने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया है। जैसे एल्कलाइन मीडियम में हम आर्सेनिक ऑक्साइड अगर लें तो प्रोडक्ट बनता है एजोक्सोबेंजीन। अगर सोडियम आर्सेनाइड से रिडक्शन कराएं तो प्रोडक्ट बनता है एजोबेंजीन। जिंक डस्ट एल्कलाइन मीडियम में कराएं तो प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजोबेंजीन। हाइड्रोबेंजीन की एक और खास बात होती है, जो कि रिडक्शन का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, कि हाइड्रोजन बेंजीन को हम एसिडिक मीडियम से अगर ट्रीट करें, HCl से साथ गर्म करें, तो इट गोज रीअरेंजमेंट, एक रीअरेंजमेंट होता है जिसे बोलते हैं बेंजीडीन रीअरेंजमेंट, और प्रोडक्ट बनता है उससे बेंजीडीन। इसके बाद इंपॉर्टेंट रिडक्शन होता है इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में भी इस बात पर डिपेंड करता है कि मीडियम हमारा वीक एसिडिक है या स्ट्रांग एसिडिक है। अगर वीक एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाए तो प्रोडक्ट बनता है एनिलीन, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है एन फेनाइल हाइड्रोक्सिलमीन बनता है, जिसके रीअरेंजमेंट से हमारे पास क्या मिल जाता है, पैरा एमिनो फिनॉल। इसके बाद और भी रिडक्शन है, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करें तो प्रोडक्ट बनता है एजोबेंजीन। नॉर्मल कैटालिटिक रिडक्शन करें पैलेडियम कार्बन एल्कोहल की प्रेम से, तब भी प्रोडक्ट क्या बनता है, एनिलीन। ये सब आपको लर्न करना है बहुत अच्छी तरह से, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब हम पढ़ते हैं सम अदर रिएक्शंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अदर रिएक्शंस में देखो, मैं नेक्स्ट हेडिंग क्या डाला, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इस रिएक्शन को हम तीन पार्ट से बांट लेते हैं। नंबर वन देखो, इसके अंदर प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स जो होते हैं, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स, इनकी रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से करवाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड मिलते हैं, और नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन अगर हम एल्कली से कराएं तो हमें रेड कलर मिलता है, लाल रंग प्राप्त होता है। आप बता सकते हैं ये रिएक्शन मैंने कहाँ बताई है, ये रिएक्शन मैंने आपको एल्कोहल के चैप्टर में पढ़ाई थी। देखो कैसे, वहाँ हम एक टेस्ट करते हैं, विक्टर मेयर टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में पहचान के लिए एक टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, वहाँ ये रिएक्शन मैंने करा रखी है, जहाँ जस्ट आपको रिपीट हो रहा है। देखो अब रिएक्शन लिख के बताएं, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन, जनरल में ऐसे लिख लिया हमने प्राइमरी नाइट्रो एल्केन। ओके, इसकी रिएक्शन करानी हमें नाइट्रस एसिड से। देखो जब भी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करानी है, मैंने कितनी बार, जब कभी भी आता है मैंने बताया इसका ब्रेकअप हम कैसे करते हैं, HON डबल बॉन्ड
ओ के रूप में आप इसे लिखिए। ओके, अब यहाँ क्योंकि एच टू अवेलेबल है दो, तो हम लिखेंगे ओ डबल बॉन्ड एन ओ एच, तो क्या होगा इसमें से, वाटर मॉलिक्यूल इज लॉस्ट, और इस कारण पे क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड एन ओ एच, तो नाइट्रो ऑक्सिम्स बन जाएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड। तो प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, यहाँ आ जाएगा नाइट्रो, ये ग्रुप है ऑक्सिम, ये है नाइट्रो, और नाइट्रो ऑक्सिम्स को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिक एसिड, और नाइट्रोलिक एसिड की एल्कली से रिएक्शन करवा देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बन जाते हैं, रेड कलर, रेड कलर हमें प्राप्त होते हैं। यानी इस रिएक्शन का यूज हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड्स को विभेद करने में, डिस्टिंक्शन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर टू, नंबर टू लेते हैं सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स देखिए, जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवाई जाएगी इनकी तो हमें क्या मिलेंगे, स्यूडो नाइट्रोल्स मिलेंगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको, स्यूडो नाइट्रोल्स, और स्यूडो नाइट्रोल्स की रिएक्शन जब हम एल्कली से कराते हैं तो हमें नीला रंग प्राप्त होता है, ब्लू कलर इज ऑब्टेंड। अब देखो इसकी रिएक्शन लिख के बताते हैं, सेकेंडरी, सेकेंडरी नाइट्रो ग्रुप में क्या फर्क आ जाए, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर टू सी एच एन ओ टू, अगेन इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, एच एन ओ टू से, तो एच एन ओ टू से जब रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट कैसे लिखना है अपने को, एच ओ एन डबल बॉन्ड ओ, राइट। अब देखो इस केस में क्या होगा, एक ही एच अवेलेबल है तो अगेन, और यहाँ आ जाएगा कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो नाइट्रो ग्रुप जो बन जाएंगे इसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रोल्स, तो प्रोडक्ट बन जाएगा आर सी एन डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ आ गया एन ओ टू, और इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल, और स्यूडो नाइट्रोल की रिएक्शन जब हम एल्कली से कराते हैं तो वी गेट ब्लू कलर, क्या कौन सा रंग प्राप्त होता है, नीला रंग हमें प्राप्त होता है। और नंबर थ्री अगर हम ले लें हम नेक्स्ट, टर्शरी नाइट्रो एल्केन, तो टर्शरी नाइट्रो एल्केन में क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप के साथ जो अल्फा कार्बन होगा उस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, इट विल बी लाइक दिस आर थ्री सी एन ओ टू, इसकी रिएक्शन जब हम एच एन ओ टू से कराएंगे तो कोई रिएक्शन इसकी नहीं होगी। तो इस रिएक्शन तो आएगी, साथ साथ इस रिएक्शन का यूज़ भी हमें पता चल रहा है कि इस रिएक्शन का यूज़ क्या हो गया, कि हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी नाइट्रो कंपाउंड जो हैं उनका डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, उनमें विभेद कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी एल्कली से रिएक्शन करवाएंगे, अगर एल्कली से रिएक्शन कराने पर रेड कलर आता है तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स है, अगर हमारे पास ब्लू कलर आता है तो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स हैं, और अगर कोई भी रंग प्राप्त नहीं होता है तो हमारे कौन से हैं, टर्शरी नाइट्रो एल्केन्स हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, पेज चेंज करता हूँ एक मिनट, थर्ड हेडिंग डाल दीजिए आप इसके अंदर, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस में भी बिल्कुल वैसे ही होगा, प्राइमरी अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, सेकेंडरी अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, और टर्शरी का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो राइट, नंबर वन देखते हैं इसके अंदर, प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स। तो सबसे पहले तो आप क्या ध्यान रखना है कि प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स का अगर हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड,
क्या याद रखना आपको कि प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स एंड हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम फॉर्म्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। रिएक्शन में बताता हूँ, देखो कैसे लिखेंगे प्राइमरी नाइट्रो एल्केन्स के लिए आर सी एच टू एन ओ टू, इसका हमने एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ओ एच, सी एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ओ एच, ये पढ़ चुके हैं आप। इसका हाइड्रोलिसिस से प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल एमीन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। इसका जो यूज़ है इस रिएक्शन का, वास्तव में क्या है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनाने में यूज होता है। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन आपने पढ़ी है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में काफ़ी रिएक्शन पढ़ी है इसकी, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो हाइड्रोक्सिल एमीन बनाने में इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। ओके, नंबर टू रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स। सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स को अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें एसिड के साथ तो प्रोडक्ट बनते हैं कीटोन्स। क्या प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे को, कीटोन्स। मैं रिएक्शन लिख के बताता हूँ, देखो अभी इसकी कीटोन्स के साथ साथ क्या मिलेगा इसके अंदर, नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होगा सेकेंडरी, आर टू सी एच एन ओ टू, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया तो प्रोडक्ट बन जाएंगे इसके कीटोन प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। बैलेंस करना है इसको, हाफ हाफ कर सकते हैं जितने, तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं इसके अंदर, कीटोन्स आर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। नंबर थ्री, अगेन टर्शियरी नाइट्रो एल्केन के पास क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दैट इज नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस पर भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब देखो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फिनोमिनन बता रहा हूँ आपको, मार्क करिए इस रिएक्शन को, नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसे हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलावयवता। टॉटोमेरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है आइसोमेरिज्म का, ऑल्दो टॉटोमेरिज्म इज नॉट ए ट्रू आइसोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के बारे में जब भी बताया मैंने बताया कि इट इज़ नॉट ए ट्रू आइसोमेरिज्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले एक नोट कर लीजिए आपकी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन्स विच कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट इन टू टॉटोमेरिक फॉर्म्स। तो पहले तो हमेशा ध्यान रखनी है कि उन कौन से नाइट्रो एल्केन्स जो है टॉटोमेरिज्म दिखा सकते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, राइट। अब कैसे होता है टॉटोमेरिज्म और उनके क्या क्या नाम होंगे उन दोनों टॉटोमर्स के, ये मैं एक्सप्लेन, पहले हमेशा ध्यान रखना है कंडीशन क्या है। तो टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है कि नाइट्रो ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जैसे टर्शियरी नाइट्रो एल्केन्स हैं उनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो दे विल नॉट शो टॉटोमेरिज्म, वो टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे, मैं बताता हूँ आपको टॉटोमेरिज्म, बहुत ध्यान से देखिए इसको आप। जैसे हमने लिया, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन है, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो इसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया, देखो ऐसे दिया एच, एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ थोड़ा इसको, एन डबल बॉन्ड ओ और ये इस ओपन नाइट्रोजन पे आया, ये आपको बता चुके हैं नाइट्रो में ग्रुप दिस। अब ये हमारा नॉर्मल ये चीज़ है, ठीक है। अब ये कौन सा ग्रुप है, नॉर्मल नाइट्रो फॉर्म, इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो फॉर्म ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो फॉर्म या डायरेक्ट। अब देखिए इसके अंदर कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको एरो का मोमेंट, ध्यान से देखिए आप कि ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अगर यहाँ माइग्रेट हो और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाए, साथ में देखो मैं एरो की पोजीशन देखना क्या है, टॉटोमेरिज्म हमेशा
ऐसे नहीं कि दोनों एरो बराबर है। टॉटोमेर की जो फॉर्म होती हैं उनके अंदर एक इक्विलिब्रियम जो एक्स्टेब्लिश होता है, वो इक्विलिब्रियम किधर रहता है ये मैं रीजन बताऊंगा। पहले आप देखो, ऐसे नहीं कि दोनों बराबर, क्या एक एरो बड़ा लगाया मैंने, इधर एरो क्या लगाया छोटा लगाया, और इससे हुआ क्या, बट एज ए रिजल्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH2 यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे बिल्कुल वैसा का वैसा पॉजिटिव चार्ज रहा, OH हो गया, और ये क्या रह गया हमारे पास, O नेगेटिव। ये जो फॉर्म बन गई इसकी, टॉटोमेरिक फॉर्म जो है, इसे हम क्या बोलते हैं, ACI, एसी फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं, एसी फॉर्म, ACI, एसी फॉर्म, या इसका क्या नाम देते हैं हम, आइसो नाइट्रोफॉर्म। दूसरा नाम क्या देते हैं इसको, आइसो नाइट्रोफॉर्म, और हम एक नाम और दे सकते हैं इसको, वो क्या करते हैं, नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म। क्या नाम देते हैं, नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म, दूसरा नाम क्या देते हैं, नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म। ओके, जैसे इसको हम एसी फॉर्म देते हैं, ये नाइट्रोफॉर्म है, नाइट्रोफॉर्म को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, यहां पर देखो ध्यान से, स्यूडो एसिड फॉर्म। नाइट्रोफॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलेंगे हम, स्यूडो एसिड फॉर्म। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये जो नाइट्रोफॉर्म है इसकी, इन दोनों फॉर्म में से एक हमारे पास एसी फॉर्म है जिसको आइसो नाइट्रोफॉर्म और नाइट्रोनिक एसिड फॉर्म कहा, एक कौन सी फॉर्म है, नाइट्रोफॉर्म और स्यूडो एसिड फॉर्म। इनमें से ये वाली जो फॉर्म है ये मोर स्टेबल है। कैसी है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस, राइट। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, इसीलिए ये इक्विलिब्रियम किधर रहता है, इस तरफ रहता है, राइट। इसके लिए टॉटोमेरिज्म का आप लेक्चर देखिए मेरा, टॉटोमेरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना। शुरू शुरू में जब टॉटोमेरिज्म आपको बताया जाता है तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स में बताया जाता है ना। टॉटोमेरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं, जो एसिटोएसिटिक एसिड की एग्जाम्पल ले लीजिए आपको, है ना, एसिटोएसिटिक एस्टर की एग्जाम्पल, जिसके अंदर की टॉटोमेरिज्म काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ये जो टॉटोमेरिज्म की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ज़्यादा पढ़ाया जाता है अपने को, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। लेकिन टॉटोमेरस और भी कंपाउंड्स में होता है, जरूरी नहीं कि कीटो और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ही हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन नाइट्रो कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो दो टॉटोमेरिक फॉर्म्स में रहते हैं, उनके नाइट्रो फॉर्म रेजोनेंस के कारण बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, जबकि आइसो नाइट्रो फॉर्म जो होगी कम स्टेबल होगी, इसलिए दिस, राइट। तो टॉटोमेरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है, राइट। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल आया, क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये है अपने पास नाइट्रोबेंजीन। अब क्वेश्चन है कि नाइट्रोमेरिजिन टाइटोमेरिजिन शो करेगा या नहीं करेगा, लिख लीजिए कि डू नॉट शो टाइटोमेरिजिन, डू नॉट शो टाइटोमेरिजिन, टाइटोमेरिजिन नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता टाइटोमेरिजिन ये, क्योंकि देखो आप ध्यान से, ये नाइट्रो ग्रुप, कोई अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये टॉटोमेरिज्म नहीं दिखाता। ओके, तो ये था हमारा नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन की रिएक्शंस, कुछ और रिएक्शंस नाइट्रो कंपाउंड्स की। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे एमीन्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके लिए नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एमीन्स। लेकिन मेरा, जैसा कि हर वीडियो में आपको बताता हूँ आपको मैं, कि आप इन वीडियोज को क्रम से देखें और कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।